ऐसे पूछते हैं, ऐसे करेंगे। ओए पागल, तेरे को बोलना पड़ेगा क्या सोच रहे हो। सब फिर इधर आए, फिर इधर से फिर हम इधर गए, तो ट्रांसफर इधर गए, फिर देखना इधर फिर आए, फिर इधर जब हुए फिर वो बीच में एक जो छोटा सा जो घर है, वो छोटा सा घर को उसका नाम कहते गंभीरा, मतलब गंभीरा मतलब होता है जो गंभीर जिसको कहते हैं, बड़े सीक्रेट प्लेस है, हैं, इसलिए भी एक स्थान इसका नाम है गंभीरा है। दूसरा जो गंभीरा है महाप्रभु, आप लोगों ने श्रवण किया जो प्रेम को माँ कृष्ण इसी जगत में आए, उनने सारे रस को उन्होंने आस्वादन की, लेकिन आस्वादन करने के बाद जब कृष्ण गोलोक वृंदावन चले गए, एक दिन निकुंज में बैठ के सोच रहे हैं, बोले क्या सोच रहे हैं, बोले मेरे जीवन में जितनी इच्छा थी सब इच्छा को मैंने पूरी की। पूरी नहीं कर पाए वो जो गंभीर वस्तु यहीं पर आस्वादन किया, इसलिए भक्ति कीर्तन लिखते हैं राधिका भाव गंभीर सेवा जाने महाधीर। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कीर्तन में लिखते हैं गंभीरा क्यों स्थान का नाम, मतलब राधिका भाव गंभीर, राधा रानी का जो भाव है वो इतने गंभीर भाव है, साधारण जीव का बात छोड़ दे, साधारण व्यक्ति तो समझ नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर कृष्ण भी जो रस बैसा रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवति, जिनको रस स्वरूप बताया गया है, सारे रस का जो मूर्तिमान स्वरूप, जो कृष्ण भी जिनके भाव प्रेम को जो था नहीं पाए, लेकिन वो जो था नहीं पाए वो प्रेम को, फिर वो प्रेम को कहाँ पर आकर के उन्होंने आस्वादन किया, इसी गंभीर, इसलिए के स्थान का नाम किया है गंभीरा। यहाँ पर और एक बहुत अच्छी चीज है, इसके मंदिर में आप लोग देखे होंगे इस तरफ में एक ऋषि है, उनका नाम गोपाल गुरु है, हैं? ये गोपाल गुरु जब उन्होंने अप्रकट हो गए, इनका एक शिष्य था जिनका नाम था ध्यान चांद, लेकिन पहले संत लोग बड़े उदासीन होते थे, उनका प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी में कोई मतलब नहीं, उनका तो मतलब भगवान के भजन है, ठाकुर का भक्ति में कैसे प्रवेश हो, गुरु भी प्रेम में डूबे रहते, चेला भी प्रेम में डूबे हुए रहते रहते, इसलिए चेला भी गुरु जी की असली संपत्ति भगवान की प्रेम संपत्ति, ये चीज को कोशिश करते थे हम कैसे आस्वादन करें, गुरु जी की असली संपत्ति क्या, प्रेम ही उनका असली संपत्ति, उनका प्रॉपर्टी के प्रति ध्यान नहीं रखता, इसलिए गुरु जी भी उदासीन, चेले भी उदासीन, इसलिए नियम होता है जब गुरुदेव शरीर छोड़े चेले को नाम पर सब लिख करके जाए, मेरे बाद में किसी जगह का महंत कौन है, ये व्यक्ति मेरे जगह का महंत यही बनेंगे, लेकिन गुरु भी उदासीन चेला भी उदासीन, गुरुदेव बोले नहीं चेला भी कुछ किए नहीं, गुरुदेव चले गए, लेकिन जब चले गए यहाँ का जो गवर्नमेंट था जो ध्यान चाहता, बोले ये जगह का तुम्हें मालिक नहीं, तेरे गुरुदेव इसको लिख कर गए तेरे नाम पर तेरे नहीं, यहाँ से निकलो, वो तो बड़ी चिंता में पड़ गए, हम भी कोई ध्यान नहीं दिया, गुरुदेव भजन में बसता हम भी भजन में बसता, इसको बाद में क्या हुआ, ये तो बड़े चिंता में पड़े, ये जगह तो नष्ट हो जाएगी। एक समय कोई एक भक्त वृंदावन दर्शन के लिए गए, वहाँ वृंदावन में धीर समीप, जब वहाँ पर यहाँ पर देखा जो सदगुरु है, अगर मुक्त महापुरुष हो गुरुदेव कैसे नित्य है, ऐसे नहीं गुरु भी गया चला भी गया, हैं, गुरु गए और चले भी गए, नहीं गुरुदेव जब शिष्य गए कहाँ पर गए, जब धीर समीर वृंदावन में देखा श्री गोपाल गुरु गोस्वामी को भजन कर रहे वहाँ पर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम, देखा गोपाल गुरु को भजन करते हुए देखा, बोला आप तो अप्रकट हो गए थे शरीर छोड़ गए थे, बोले यहाँ पर कैसे, बोले गुरुदेव नित्य है, गुरुदेव कहीं जाते नहीं, फिर उन्होंने आप उन्होंने बताया ऐसे जो तुम्हारे चेले के ऊपर में बड़े विपत्ति पड़ा है, तो बोले चेले को यहाँ आप चलो, बोले चेले को बोले भेज देना,
जब फिर जब ध्यान चांद गोस्वामी गए वृंदावन में, देखा गुरु जी को बैठकर भजन कर रहे हैं। बोले गुरु जी आप, मैं भी कुछ बोला नहीं, आप भी मेरे नाम पर ये प्रॉपर्टी लिख कर गए नहीं, अभी गवर्नमेंट तो बड़े प्रेशर दे रहे हैं, बोले गुरु जी तेरे नाम पर कुछ लिख कर गए नहीं, ये जगह के तुम मालिक नहीं बन सकते हो। गुरुदेव चलो चलो पूरी में चलो। गुरु जी बोले मैं नहीं जा सकता हूँ, एक काम करना मैं वहां पर एक नीम वृक्ष रूप में प्रकट होगा, उस नीम वृक्ष से तुम एक मूर्ति बनाना, मैं मूर्ति स्वयं बात करूंगा। सचमुच से यहाँ पर गुरुजी एक नीम वृक्ष रूप में प्रकट हुए, शिष्य ने उसी नीम वृक्ष से देखो वो मूर्ति बना हुआ वहां पर रहा। अब दर्शन करना, मूर्ति रूप में बनाया उस पेड़ से, अब मूर्ति साक्षात बात की, उन्होंने साखी दिया नहीं मेरे शिष्य ये ध्यान चाहते मेरे शिष्य है, मेरे जितने संपत्ति का अधिकारी है सब दुनिया देख करके भैया ये लकड़ी का मूर्ति भी बात करता है और गुरुदेव नित्य है, इसलिए वो विग्रह वहाँ पर रखा हुआ है, वो विग्रह आप देखोगे वहाँ पर वो विग्रह रखा हुआ। अभी प्रभु जी से सुना, यहाँ का जो लोग है गंभीरा हम लोग कहते हैं, साधारण लोग ये स्थान का नाम कहते हैं राधा का तमट। ये जो विग्रह आप वहाँ दर्शन किए होंगे, वो जो विग्रह है ना, ये विग्रह राधा कांत है, लेकिन ये आए कहाँ से, इनका नाम राधा कांत का क्यों नाम पड़ा, बड़ी लंबी कथा है। राजा कांची विजय पर हम कथा बाद में सुनेंगे, वहाँ पर राजकुमारी को साथ में इनकी शादी की बात थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, बोले बोले ये झाड़ूदार को साथ में हम शादी देंगे अपना बेटी का, क्योंकि राजा देखने के लिए वहाँ का राजा आया था, ये राजा जो पुरुषोत्तम जना था इनको साथ में कांची राजा की बेटी को साथ में शादी होने की बात चला, उसने रथ यात्रा देखने के लिए आया, देखा राजा को झाड़ू लगा तो नहीं, बोले क्या अपना बेटी को झाड़ूदार को साथ में शादी देंगे, भैया हम नहीं दे सकते। पूरी राजा क्रोधित होकर के चढ़ाव किया, पराजय नहीं कर पाए, फिर शर्त था अगर ये हार जाएंगे तो इनका इष्ट जगन्नाथ वहाँ लेकर के उनका इष्ट गणेश जी को पीछे रखा जाएगा, अगर वो हार जाएंगे उनका इष्ट गणेश को ला करके जगन्नाथ जी को पीछे रखा जाएगा, लेकिन राजा तो जीत नहीं सके, सीधा जगन्नाथ जी के चरण में आकर पड़े, बोले ठाकुर जी अगर मेरी जय तो तुम्हारी जय, मैं हार गया तो तुम हार गया, मैं तेरे लिए लड़ाई कर रहा हूँ, झाड़ूदार तो है लेकिन सबका नहीं, ये अगर हार गया ना आपको जाकर उनका इष्ट गणेश को पीछे रहना पड़ेगा। जगन्नाथ बलदेव बोले कोई चिंता मत करो, कल दोनों भाई हम युद्ध करने के लिए जाएंगे, युद्ध करके वहाँ से उन्होंने परास्त किया, वहाँ से चार चीज लाए, एक मयूर सिंहासन, नाम सुने होंगे, जो मयूर सिंहासन बड़ी हीरे जवाहरात जड़ा हुआ जिसको ब्रिटिश से लेकर चला गया है, दूसरा चीज था कि राधा का, तीसरा चीज जो भंड गणेश है, और जो चौथा चीज वहाँ पर लाए साखी गोपाल लेकर के आए थे वहाँ से, इसलिए वहाँ से जो गोपाल जी को लेकर के आए थे वहाँ पर जो राधा का विग्रह है वो वहीं से लाए थे, वो विग्रह अभी यहाँ पर है, इसलिए इनका नाम पर ये स्थान का नाम है राधा कांत मठ, इसलिए हम मंदिर में जा करके इसी विषय पर और ज़्यादा करके सुनेंगे। अभी हम जाएंगे श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को पा घर में जाएंगे जहाँ पर महाप्रभु सर्वजरूर दर्शन कराएंगे। ललिता गौर।